14 फरवरी 2019 के दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकी हमला होता है जिसमें 40 भारतीय जवानों की जान चली गई। पूरा देश इन बहादुर जवानों को खोने का गम मना रहा था। इसी बीच कुछ लोगों ने देश भर में रह रहे कश्मीरियों को टारगेट करना शुरू कर दिया। पुलवामा हमले को कुछ घंटे भी नहीं बीते थे कि सनसनी फैलाने की चाह रखने वाला एक लड़का एक वीडियो शेयर करते हुए ऐलान करता है कि कल वो अपने यहाँ पटना में रहने वाले कश्मीरी दुकानदारों को पीटेगा। जबकि पुलवामा मामले में ये भी पता नहीं चला था कि आतंकी हमला किया भी किसने है। अगले दिन 3 तारीख पर वो लड़का कुछ लोगों को लेकर पटना के ल्यासा मार्केट में पहुंचता है और वहां दुकान लगाने वाले निर्दोष कश्मीरियों पर लाठी डंडे तोड़ दिए जाते हैं। खून निकले सरों और गिड़गिड़ाते कश्मीरी दुकानदारों की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी जाती है। किसी के किए की सजा किसी और को दे दी गई। पटना के इस सनसनीखेज रंगबाज का नाम था त्रिपुरारी तिवारी उर्फ मनीष कश्यप। निर्दोष कश्मीरियों पर लाठियां तोड़ने वाले मनीष कश्यप को इस मामले में जेल की सजा भी हुई, लेकिन इस मामले ने उसे वो दे दिया जो वो शहीदों के दुख और शोक के माहौल से पाना चाहता था। वो चीज थी सुर्खियां। इन्हीं सुर्खियों से बटोरे व्यूज पर चढ़कर मनीष कश्यप बन जाता है बिहार का सबसे बड़ा यूट्यूबर पत्रकार। वही मनीष कश्यप जो खुद कहता था कि साल 2016 में जब उसने वीडियो बनाना शुरू किया था तो 100 व्यूज मिल जाने पर भी वो खुश हो जाता था। 100 व्यूज से 100 मिलियन व्यूज पाने वाला मनीष कश्यप फिलहाल तमिलनाडु की जेल में कैद है, वो भी NSA कानून के तहत, यानी राष्ट्र की एकता अखंडता को भंग करने की साजिश रचने के जुर्म में। इसलिए आज के इस एपिसोड में मनीष कश्यप की हिस्ट्री तलाशने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर मनीष कश्यप के पीछे सारा खेल रचने वाला शख्स कौन है, कौन है वो आदमी जो उसके YouTube चैनल का असली मालिक है। जानेंगे कि कैसे तमिलनाडु के बिहारी प्रवासियों के बहाने RSS और भाजपा एक बड़ा गेम खेलने जा रहे थे। क्या है मनीष कश्यप का मामला, क्या है उसकी हिस्ट्री, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह, अपने फेक न्यूज से बिहार और तमिलनाडु के लोगों के बीच आग लगाने की कोशिश करने वाले मनीष कश्यप को आज मासूम साबित करने की कोशिशें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि तमिलनाडु और बिहार सरकार ने उसे जेल में डालकर एक पत्रकार की पत्रकारिता पर हमला किया है। लेकिन सवाल यह है कि मनीष कश्यप सिर्फ एक फेक न्यूज की वजह से जेल में है, जैसे आपसे कभी कोई गलत न्यूज शेयर हो जाए या किसी और से हो जाए या हमसे हो जाए, या वो एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। इस खेल को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाते हैं। साल 2019 में पुलवामा हमले के बाद लोकप्रियता के घोड़े पर सवार हो चुके मनीष कश्यप को लगा कि अब वो वक्त आ गया है कि वो अपने बचपन के सपने को पूरा करें। वो सपना था राजनीति का। मनीष कश्यप की माँ भी एक वीडियो में बताती हैं कि मनीष कश्यप को बचपन से ही राजनीति में आने का दिल था, इसलिए पुलवामा हमले से मिली लोकप्रियता को साल भी नहीं बीता कि मनीष कश्यप साल 2020 में ही बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए कूद जाता है। लेकिन चूंकि उस वक्त वो उतना बड़ा नाम नहीं था जितना कि आज था, इसलिए किसी पार्टी से टिकट नहीं मिली, इसलिए निर्दलीय ही चंपारण जिले की चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन इस चुनाव में मनीष कश्यप को मात्र 9,239 वोट ही मिलते हैं। चुनाव हारने के बाद अब मनीष कश्यप यूट्यूब की दुनिया में दोबारा उतर जाता है। यहाँ दोबारा कहने के पीछे एक कहानी, दोबारा मतलब मनीष कश्यप के YouTube पर आने की शुरुआत थोड़े और पीछे जाती है, जब वो पहली बार वायरल होने के खेल में आता है। उस कहानी में छुपे हुए हैं कुछ राज जिनमें छुपी हुई है मनीष कश्यप की हिस्ट्री। दरअसल मनीष कश्यप बचपन से ही राजनीति में आना चाहता था और राजनीति के लिए चाहिए थी सुर्खियाँ, इसलिए मनीष कश्यप उस एक भी मौके को नहीं छोड़ता था जो जहाँ से उसे सुर्खियाँ बटोरी जा सकती थी। यही कारण है कि जब पूरा देश पुलवामा हमले से शॉक्ड था और किसी को नहीं पता था कि यह हमला किसने किया है, क्यों किया है और किसने करवाया है, हालांकि बाद में NIA ने अपनी जांच में इस हमले के लिए पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को जिम्मेदार माना, इस जांच में भी NIA को महीनों लगे, लेकिन बिहार के पटना में बैठे मनीष कश्यप ने पुलवामा हमले को 10 घंटे भी नहीं बीते कि उससे पहले ही मान लिया कि दोषी कौन है और ऐलान कर दिया कि वो पटना में रहने वाले कश्मीरी दुकानदारों को पीटेगा। जब पूरे देश को अपने बहादुर जवानों की शहादत को याद करना था और उनके परिवारों की चिंता करनी थी, उस बेहद नाजुक वक्त में मनीष कश्यप की चाह थी कि वो आकर्षण का केंद्र बने, लोग उसे देखें, उसे सुर्खियां मिले, इसलिए उसने सनसनी फैलाने के लिए अगले ही दिन पटना में दुकान लगाने वाले कश्मीरी दुकानदारों को लाठियों और डंडों से पीटना शुरू कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या ये काम कोई पत्रकार कर सकता है, क्या ये काम किसी पत्रकार का होता है। मनीष कश्यप द्वारा सनसनी फैलाने का ये कोई पहला स्टंट नहीं था,
इससे पहले भी वो कई तरीके अपना चुका है। इसकी जड़ें उसके गृह जिले में ही निकलती हैं। मनीष कश्यप बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले का रहने वाला है और चंपारण वही जगह है जहां से महात्मा गांधी ने साल 1917 में पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ अपने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। साल 2017 में गांधी के चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने को थे, लेकिन उससे पहले ही साल 2016 में गांधी का नाम चंपारण के अखबारों में एक बार फिर छपा। इस बार इसलिए कि चंपारण के एक लड़के ने गांधी को गाली देने वाला सनसनीखेज वीडियो बनाया था। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि मनीष कश्यप ही था। अपनी इस वीडियो में मनीष कश्यप कहता है कि गांधी की मौत पर हम जश्न मनाते हैं। इसी वीडियो में मनीष कश्यप के साथ वाला लड़का मुस्लिमों को लेकर एक बेहद आपत्तिजनक बातें करने लगता है, मारने काटने की बातें की जाती हैं। इस वीडियो को भी सनसनी फैलाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर फैलाया जाता है। इस मामले में भी उस पर मुकदमा हुआ। लेकिन एक सवाल आपसे, आप गांधी से हजार आपत्ति रख सकते हैं, उनके काम की, उनके विचारों की लाख आलोचनाएं कर सकते हैं, लेकिन क्या किसी की हत्या हमारे लिए जश्न मनाने का कारण हो सकती है? क्या ये काम किसी पत्रकार का हो सकता है या ये काम सुर्खियों में आने के लिए किसी सनसनीबाज का होता है? अब आप कहेंगे कि मनीष कश्यप तो इतना चर्चित आदमी था कि उसे सुर्खियों की जरूरत क्या रही होगी, लेकिन यहीं पर आप गलत हो जाते हैं। कारण ये कि साल 2016 का ही वो वक्त था जब मनीष ने पहली बार वीडियो बनाना शुरू किया। शुरू में अपना ज्ञान फेसबुक पर वीडियो बनाकर डालता था, फिर यूट्यूब चैनल भी बनाया, लेकिन तब उसे कोई खास दर्शक नहीं मिलते थे। खुद मनीष अपनी एक वीडियो में कहता है कि तब उसको 100 व्यूज भी मिल जाते थे तो उसे बहुत खुशी होती थी। इसलिए अब आप समझ सकते हैं कि वो ऐसी सनसनीखेज कारनामे करके चाहता क्या था। तब मनीष कश्यप के पास अपना सच तक यूट्यूब चैनल नहीं था। सच तक न्यूज चैनल बनाया गया साल 2018 के जुलाई महीने में। इस सच तक चैनल की हिस्ट्री से आप एक बड़े गेम को समझ पाएंगे। बीबीसी पर पत्रकार नीरज प्रियदर्शी ने एक बेहतरीन खोजी रिपोर्ट करते हुए इस गेम को खोलने की कोशिश की है। पत्रकार नीरज प्रियदर्शी के मुताबिक मनीष कश्यप को सन ऑफ बिहार बनाने में और उसे करोड़ों की संख्या में फॉलोअर्स दिलाने में एक अरबपति और संघ के बड़े नेता का हाथ है। प्रियदर्शी के मुताबिक जिस मनीष कश्यप को लोग सच तक न्यूज के माध्यम से जानते हैं वो उसका चेहरा भर है। सच तक के असली मालिक हैं मणि द्विवेदी और इसके भी पीछे असली मालिक हैं अरबों की संपत्ति रखने वाले राकेश पांडे। राकेश पांडे लंदन में रहते हैं और ब्रेवो फार्मा नाम की कंपनी चलाते हैं। उनका आरएसएस और भाजपा सरकार के बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना है। राकेश पांडे आरएसएस के लिए भी काम करते हैं। मनीष कश्यप, मणि पांडे और राकेश के बीच की ही कड़ी हैं आरएसएस से ही जुड़े हुए नीलोत्पल मृणाल, जो मुंबई में रहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस मांगने वाले ऑनलाइन आंदोलन के पीछे भी यही नीलोत्पल मृणाल हैं। नीरज प्रियदर्शी की जानकारी के मुताबिक राकेश पांडे की कंपनी का भारत में कारोबार नीलोत्पल भी देखते हैं। मनीष पांडे बिहार से भागकर पहले नीलोत्पल मृणाल के पास ही मुंबई गया था। नीरज प्रियदर्शी आगे बताते हैं कि राकेश पांडे पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राधामोहन सिंह का रिश्तेदार है। मतलब मोटा माटी मनीष कश्यप और सच तक के पीछे भाजपा और आरएसएस से जुड़े लोगों का पैसा है। अब लौटते हैं साल 2022 के अगस्त महीने पर। अब तक बिहार में नीतीश के साथ भाजपा की सरकार थी, लेकिन अगस्त 2022 में नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के साथ चले गए और सरकार बना ली। इस तरह भाजपा बिहार की सत्ता से बाहर हो जाती है। चूंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं इसलिए बिहार में वापस लौटना भाजपा के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए भाजपा की मशीनरी इस काम में लगी हुई है कि कैसे भी जनता में तेजस्वी यादव और नीतीश की सरकार के प्रति विश्वास में कमी लाई जाए। उधर तमिलनाडु में भी चुनाव होने जा रहे हैं और भाजपा वहां एकदम कमजोर है। इधर बिहार में भाजपा सत्ता से बाहर हो चुकी है। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन और इधर नीतीश और तेजस्वी यादव भी नजदीकियां बढ़ा रहे थे ताकि लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष बनाकर लड़ा जा सके। अगर विपक्ष एक साथ आ जाए तो भाजपा के लिए मुश्किलें हो जानी थी। इस बीच मनीष कश्यप ने एक सनसनीखेज खबर चलाई कि तमिलनाडु में बिहारी प्रवासी मजदूरों के साथ मारपीट की जा रही है। ये मामला तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। भाजपा के नेता और भाजपा की पूरी आईटी सेल अब ये साबित करने लग गई कि बिहारी मजदूरों को हिंदी बोलने के कारण तमिलनाडु में पीटा जा रहा है और बिहार सरकार कुछ भी नहीं कर रही। ये मामला ऐसा था कि बिहार और हिंदी बोलने वाले बाकी राज्यों को सच में ऐसा लगे कि हाँ ऐसा हुआ होगा। ऐसा इसलिए कि जिस तरह बिहार में बिहारी अस्मिता चलती है वैसे ही तमिलनाडु में भी तमिल अस्मिता एक संवेदनशील मामला है। उन्हें लगता है कि हिंदी थोप कर उनकी भाषा को खत्म किया जा रहा है, इसलिए वहाँ अक्सर हिंदी का विरोध होता रहा है और इसी परसेप्शन का फायदा उठाने की कोशिश की भाजपा की दुष्प्रचार मशीनरी ने।
मनीष कश्यप ने और मनीष कश्यप के पीछे खड़ी ताकतों ने। मनीष कश्यप द्वारा जब ये मुद्दा उठाया गया कि और यह बनाया गया कि तमिलनाडु में हिंदी बोलने वाले बिहारी प्रवासियों को मारा पीटा जा रहा है, तो भाजपा नेताओं से लेकर टीवी मीडिया तक सब साथ एक साथ हो गए, एक सुर में कहने लगे कि इधर तमिलनाडु में प्रवासी बिहारी मजदूरों को पीटा जा रहा है और इधर बिहार सरकार तमिलनाडु के सीएम से रिश्ते निभा रही है। इस बीच बहुत सी फेक वीडियो और न्यूज़ वायरल की गई कि बिहार के मजदूर तमिलनाडु में पीटे जा रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, वे वापस बिहार आ रहे हैं। एक बार को लगा कि इसका बिहार सरकार पर भी भारी असर पड़ सकता है, लेकिन जल्द ही ये वीडियो और खबरें फेक निकलने लगी। साथ ही मनीष कश्यप की वीडियो की भी पोल खुल गई। ये वीडियो असल में हुई ही नहीं थी, इसे बिहार में बैठकर ही स्क्रिप्टेड तरीके से शूट किया गया था, यानी घर पर बैठकर ही फेक वीडियो बनाई गई और आरोप लगा कि मनीष कश्यप ने पटना के बंगाली टोला के लोगों से एक्टिंग करवाई है और उन्हें तमिलनाडु में पीड़ित बिहारी मजदूर दिखाया है। इसके अलावा छोटे मोटे YouTube चैनल वालों को बिहारी माइग्रेंट का रोल करवा कर खबर को मजबूती के साथ इस्टेब्लिश कर दिया। लेकिन अब चूंकि पोल खुल गई, इसलिए गिरफ्तारी के डर से मनीष कश्यप अंडरग्राउंड हो जाता है और फिर नाटकीय तरीके से एक दिन पुलिस थाने में सरेंडर करने पहुंच जाता है। लेकिन उससे पहले भावुकता का खेल भी खेला, अपनी माँ के साथ वीडियो बनाया, अपनी बेगुनाही के तर्क दिए, भगवा कपड़े में फोटो डाली, लोगों से साथ देने का आह्वान किया, तेजस्वी यादव को धमकियां दी आदि इत्यादि, लेकिन ये सब ज़्यादा काम नहीं आया। बिहार में मनीष की गिरफ्तारी हुई, पूछताछ हुई और इस बीच मनीष कश्यप के द्वारा कुछ पैसों की गड़बड़ झाले की भी बात सामने आई। आरोप है कि मनीष ने साल 2021 और 22 में अपनी कंपनी को 6 लाख रुपए के घाटे में दिखाया, जबकि उसने अपने पार्टनर के साथ मिलकर कंपनी के खाते में 42 लाख रुपए निकाले। खातों की जाँच में एक और दिलचस्प बात सामने आई। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के मुताबिक मनीष कश्यप अपने स्टाफ को 8 से 12 हज़ार रुपए की सैलरी देता है, लेकिन उनके स्टाफ के खातों में 10-12 लाख का ट्रांजैक्शन देखा गया, मतलब कहीं से ब्लैक मनी लिया जा रहा है, ऐसा बिहार पुलिस के द्वारा शक किया गया और ये मनी लॉन्ड्रिंग के तहत एक अपराध में आता है। सवाल यह है कि ब्लैक मनी अगर लिया जा रहा था तो वो कहाँ से लिया जा रहा था। इस कहानी से एक लाजिम सा सवाल ये भी उठ रहा है कि बिहारी प्रवासियों को लेकर स्क्रिप्टेड फेक न्यूज मनीष कश्यप ने अकेले चलाई या इसके पीछे कोई और भी था। भाजपा और टीवी मीडिया अचानक से इस मुद्दे को उठाने क्यों लग गए थे। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या मनीष कश्यप ने इतनी बड़ी साजिश अकेले ही रची या इसमें उनके चैनल के मालिक और भाजपा के करीबी राकेश पांडे का भी हाथ था। आप जरा सोच कर देखिए कि मनीष कश्यप ने तमिलनाडु को लेकर ये फेक न्यूज क्यों फैलाई होगी। क्या ऐसे ही अचानक एक दिन माउंटेन ड्यू पीकर उसके मन में आ गया होगा कि आज कुछ तूफानी करते हैं। शायद इतना आसान तो नहीं रहा होगा, उसने पूरी तैयारी की होगी, प्लॉट बनाया होगा, स्क्रिप्ट रची होगी, एक्टिंग के लिए लोग हायर किए होंगे, पैसे दिए होंगे, सब विधि विधान से हुआ होगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि उसने अपने वीडियो वायरल करवाने के लिए ऐसा किया होगा, क्योंकि वो तो पहले से ही लोकप्रिय था। तो क्या फिर उसका कोई राजनीतिक कारण रहा होगा? क्या किसी ने उसे मोहरा बनाकर ये काम करवाया होगा? आखिर इनका इसमें फ़ायदा क्या था? इस मुद्दे को किसके कहने पर उठा रहे थे? इस पर बीबीसी से जुड़े पत्रकार नीरज प्रियदर्शी कहते हैं कि बिहार में बीजेपी सरकार से बाहर हो चुकी है और आरजेडी के नीतीश के साथ आने से बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। तो इन दोनों राज्यों में अपने हिंदुत्व के एजेंडे के प्रचार के लिए बीजेपी और आरएसएस ने पूरे षड्यंत्र को रचा ताकि माहौल को अस्थिर बनाया जा सके और राज्य सरकारों को बदनाम किया जा सके। यह अनुमान पत्रकार नीरज प्रियदर्शी का है, मेरा नहीं है। जांच में तथ्य सामने आने पर ही ये बात साबित होगी, इसलिए अभी ये कहना मुमकिन नहीं है कि मनीष कश्यप के पीछे आरएसएस या बीजेपी का हाथ है या नहीं, उनके मालिक का हाथ है या नहीं। हालांकि मनीष कश्यप संघ के कार्यक्रमों में जाता रहता है और संघ और बीजेपी से करीबी साबित करने वाली उसकी कई तस्वीरें पब्लिक डोमेन में हैं। फिलहाल दो राज्यों के बीच एक बड़ी साजिश रचने वाले मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस अपने यहाँ ले गई और NSA कानून यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका शॉर्ट में कहें तो। जैसा कि नाम से जाहिर है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे वाला कोई काम होता है तो ये एक्ट लगाया जाता है। इस कानून में ऐसे ऐसे प्रावधान हैं कि बिना चार्जशीट दायर किए ही आरोपी को साल भर जेल में रखा जा सकता है। बिहार और तमिलनाडु में एक बेहद संवेदनशील विवाद पैदा करके मनीष कश्यप ने इतना बड़ा अपराध किया है या नहीं, ये आप अपने अपने तर्क के आधार पर तय कर सकते हैं या कानून तय करेगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। हालांकि तमिलनाडु वाले मामले से पहले भी मनीष कश्यप पर कई केस दर्ज हैं। एक आध राउंड वो जेल में भी चक्कर लगा के आ चुका है। महात्मा गांधी को गाली देने वाला केस मैंने आपको बताया,
बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में भी बेतिया में अस्पताल परिसर में रखी एक किंग एडवर्ड की मूर्ति को भी मनीष ने तोड़ डाला था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी। ये कथित पत्रकार फिर भी नहीं सुधरा। फिर साल 2019 में पुलवामा हमले के बाद पटना में सॉल बेचने वाले कश्मीरियों से मारपीट की, उनका सामान फेंक दिया। इस मामले में भी मनीष कश्यप को जेल भेजा गया। फिर साल 2021 में उसने बैंक में एक मैनेजर को पीट डाला, उस बैंक मैनेजर की मारपीट कर डाली। इस मामले में भी केस दर्ज हुआ। मनीष कश्यप ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर नहीं की। कहने का मतलब यह है कि आपराधिक काम करना और जेल जाना मनीष कश्यप की आदत सी बन चुकी है। वैसे में उसे एक सातिर, राजनीतिक मोहरा कहा जाए या पत्रकार, ये तो आप ही तय करिए। फिलहाल ये कहानी यहीं तक। मनीष कश्यप की पत्रकारिता को लेकर आप क्या कहते हैं, ये बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। और अगर आपने ये वीडियो या ये चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो लाइक नहीं की है, तो लाइक कर दीजिए। अगली वीडियो लेकर फिर हाजिर होऊंगा। तब तक इस चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।